अभी ये रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, यहाँ से टॉय ट्रेन लेंगे। राम राम जी। आज है अपनी यात्रा का 91वां दिन और आज मैं हूँ ऊटी में और अभी हम जा रहे हैं ऊटी में घूमने। देखते हैं क्या क्या मिलेगा देखने को। भाई साहब ठंड बहुत ज्यादा है, कल तक गर्मी में थे और आज एकदम से इतनी ठंड में आ गया हूँ। एक तो यहाँ पर मैं जो बता रहे हैं 3 से 4 लेक हैं बढ़िया व्यू के साथ, दूसरा टॉय ट्रेन है, दूसरा कुछ गार्डन है, तो देखते हैं क्या क्या देख पाते हैं। A few moments later. एक मसाला डोसा, एक चाय। मसाला डोसा 80 रुपये का, चाय 20 रुपये की। टाइम हुआ है 11:20, तो अपना ब्रेकफास्ट हो गया है। अब जो लंच और डिनर है उसको मिक्स करके 3-4 बजे लपेट देंगे। अभी ये रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, यहाँ से टॉय ट्रेन लेंगे और भाई साहब कन्नूर के लिए जाएंगे। चलो पार्किंग करते हैं और चलते हैं अपने रूट पे। अभी मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पार खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक टॉय ट्रेन है जो चलती है, जिसका टाइमिंग है मुझे पहले पता नहीं था। मैं सोचा थोड़ी थोड़ी देर में चलती है लेकिन उसकी टाइमिंग का पता नहीं था। तो अभी आने के बाद पता चला, मैं 10:30 बजे आया तो कि 12 बजे मिलेगी अब आपको। तो अभी उसमें जाएंगे जिसमें अगर फर्स्ट क्लास की टिकट लोगे तो आप 350 की पड़ेगी और सेकंड क्लास की लोगे तो 150 की पड़ेगी वन साइड। यहाँ से कन्नूर जाएगी जो लगभग 20 किलोमीटर, जिसमें 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लगेगा। वो भी आने वाली 10 से 15 मिनट में। अभी मैं रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा हूँ, उसके बाद वापसी की ट्रेन है 4 बजे की, तो वापसी 4 बजे आएंगे। 150 रुपये का उसका प्राइस है। तो अभी बस बाइक पार्क करती है, अभी चल रहे हैं अंदर। नीलगिरी माउंटेन ट्रेन टाइमिंग 9:15, 12:15, 2 बजे, 5:30। ये फॉर्म भरना पड़ता पहले, उसके बाद यहाँ पे जमा करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन आने वाली है, उसमें लंच कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट में आ जाएगी, चलो फिर आगे का सफर आपको ट्रेन में दिखाएंगे। तब तक बाय। ट्रेन है जो ये पीछे आप देख रहे हो, अभी यहाँ उदग मंडल से जाएगी कुन्नूर के लिए, जिसमें अपना ये बोगी नंबर है D2 में 2324 नंबर। तो अंदर चलते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, इसमें लगभग 1 घंटा 15 मिनट लगी है। व्यू जबरदस्त थे लेकिन एक साइड से दिख रहे थे, दूसरी तरफ से कुछ नहीं दिख रहा था, फिर भी मजा आया। अब यहाँ बाहर निकलते हैं और देखते हैं। हमने आने जाने की टिकट साथ में ले रखी है, अगर वो कैंसिल हो गई तो बस से जाएंगे, अगर कैंसिल नहीं होगी तो उसी का वेट करेंगे यहाँ पर 4 बजे तक। 2 hours later. यहाँ पे अपने भाई बाल कटवा लिए हैं, अब जा रहे हैं वापस ट्रेन की तरफ। 4 बजे की ट्रेन है, अभी लगभग 3:20 का टाइम हुआ है, तो 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हो कुन्नूर, ये लगभग ऊटी से 20 से 22 किलोमीटर दूर है, जिसमें 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट लगती है टॉय ट्रेन में, जिसकी 150 रुपये की टिकट है वन साइड की और दोनों साइड की आने जाने की 300 रुपये की है। तो आपके ऊपर है 150 रुपये देना चाहते हो, 300 रुपये देना चाहते हो, नहीं तो आप एक साइड ट्रेन में आके दूसरी साइड बस में भी जा सकते हो। उसमें 20-30 रुपये टिकट है, ज़्यादा टिकट प्राइस भी नहीं है, लेकिन हमने दोनों तरफ की ले रखी थी तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट में घूमे और शेविंग करवा ली, बाल कटवा लिए। अब इसके बाद ट्रेन आने वाली है 10 से 15 मिनट में, उसके बाद ट्रेन में बैठेंगे और वापस ऊटी की। मतलब जैसे बंदे चलते हैं ना 10 दिन का 15 दिन का 20 दिन का प्लान करके, ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं है। भाई निकले थे जयपुर के लिए और जयपुर से उदयपुर फलाना दकड़ा मकड़ा वकड़ा गोवा तक आए, गोवा के बाद फिर कन्याकुमारी का प्लान बन गया। अभी 3-4 दिन में भाई कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे, वहां से डायरेक्ट जो भी रोड मिलेगा अच्छा रोड मिलेगा डायरेक्ट इसको जाना है गुड़गांव। 3 से 4 दिन में भाई 2-2.5 हज़ार जितना भी पड़ता उससे कोई मतलब नहीं है, डेली 600-700-800 चलेगी। ये कुछ प्लान है और अपना ये है अगले 7 से 10 दिन घूमने का प्लान है केरल में। कल केरल में इंटर कर जाएंगे और अगले 7 से 10 दिन केरल में घूमने का प्लान है।
उसके बाद हम ज्यादा नहीं घूमेंगे, डायरेक्ट पुदुचेरी, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, जो भी कुछ है हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में प्लान रहेगा अपना 20 से 30 दिन का कम से कम। ए फ्यू मोमेंट्स लेट टाइम देखते हैं अपनी है या और कोई अभी। हाँ तो भाइयों इंतजार खत्म, अपनी ट्रेन आ गई है। सर सर व्यू उस साइड आएगा, उस साइड आएगा व्यू इस साइड। पहले थोड़ा आगे आएगी, उसके बाद बैक जाएगी और हम बैक साइड में जाएंगे। ये जो मेरे नीचे है ना, ये पूरी मार्केट है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आने जाने की टिकट बुक करते हो तो 2-3 घंटे आपको यहीं पे इंतजार करना पड़ेगा। वापिस ऊटी पहुंच चुके हैं, ये मेरे पीछे ट्रेन खड़ी है, अभी वापिस बाहर जा रहे हैं। ये उद्गमंडल था जहाँ से ऊटी से ट्रेन चलती है कुल्लू के लिए। तो ये कुछ था, यहाँ पे टिकट मिलती है मेरे पीछे 151 साइड और 300 दोनों साइड, ऐसा कुछ लेट लिखा हुआ देख सकते हो आप। ये ऐसा कुछ प्राइस है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, एक साइड की लेना चाहते हो, दोनों साइड की लेना चाहते हो। तो अभी वापिस आ गए हैं, सुबह गए थे हम 12 बजे और अभी 4 बजे की वापस ट्रेन थी और ये पहुंची है 5:10 पे। ये अपनी बाइक खड़ी है पार्किंग की, 10 रुपये लेते हैं, अभी बाइक सब लेते हैं और बीच में 2-3 लेक पड़ती हैं यहाँ पे, भी देख लेंगे। बाकी 1-2 पॉइंट जो गार्डन वूडन रहते हैं वो कल सुबह देख लेंगे। सुबह भी 12 बजे तक हैं तो सुबह थोड़ा बहुत देख के और फिर आगे के लिए निकल जाएंगे कोयम्बटूर, ऐसा कुछ प्लान है। रास्ते में बाइक का मज़ा आ गया, एक नंबर के सीन थे। तो चलो अब चलते हैं अगले कुछ सीन पे जहाँ पे कोई देख लो, पीछे बैकग्राउंड में देखो यार जबरदस्त पेंटिंग कर रखी है। छोटा सा ये स्टेशन है लेकिन आपको हर एक चीज़ की सुविधा मिल जाएगी और मेरे पीछे आप घंटा देख सकते हो। तो चलो चलते हैं डायरेक्ट जल्दी से। 2 hours later लो जी 6 बज गए हैं, अपने रूम पे जा रहा हूँ। आज का दिन बहुत ही खराब और बेकार गया। चलो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय बाय।